नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में हम सबको मालूम है कि ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम इज़ द फाइनेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसे बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलिए या बेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलिए, क्योंकि इस सिस्टम को लगवाने के लिए आप जो भी खर्चा करेंगे वो आपका पैसा अगले आने वाले 4 से 5 साल में वसूल हो जाएगा। और हाँ, ये सिस्टम आगे आने वाले 10 से 15 साल तक आपको फ्री में बिजली जनरेट करके देगा। पर इन सब सिस्टम के साथ भी कुछ अनअवॉइडेबल हादसे भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कि भाई, अगर इस सिस्टम के ऊपर बंदर कूद गया तो क्या ये सिस्टम टूट जाएगा, और वैसी सिचुएशन में क्या किया जाए। और कहीं कहीं तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई, आंधी तूफान से इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और कहीं इस सिस्टम का परफॉर्मेंस ज़रूरत से ज़्यादा डिग्रेड हो गया तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं हो, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में या ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा बच जाता है, वो है इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम्स या फिर उससे बड़े वाले सिस्टम्स जो होते हैं मेगावाट लेवल तक के, उन सब सिस्टम्स के लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलरइज में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन, और इन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने इधर लगवाना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके। तो आइए, अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं ये इंश्योरेंस को। तो पहली बात तो ऐसा है कि हादसे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। क्या है कि कुछ को अवॉइड किया जा सकता है और कुछ के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई, इस सिस्टम के ऊपर बंदर कूद गया तो क्या होगा, और उसी तरह अगर किसी ने इंटेंशनली आपके सिस्टम को तोड़ दिया तो क्या होगा, और साथ ही साथ अगर कहीं आंधी तूफान आ गई और आपका सिस्टम उखड़ गया या कुछ डैमेज हो गया तो वैसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप सबको ही मालूम होगा कि ऐसे सिचुएशंस में वारंटीज़, गारंटीज़ कोई नहीं काम आती। क्या है कि सिस्टम होगा, जगह पे होगा, तो ही जाके वारंटीज़, गारंटीज़ को क्लेम किया जा सकता है या उसके लिए कुछ किया जा सकता है। बट ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा बचता है, वो है इंश्योरेंस। आज की डेट में कई इंश्योरेंस कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे रही हैं इस सिस्टम के लिए, और ये इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स या रेजिडेंशियल सेक्टर या प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले मैं प्रोजेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कवरेज अवेलेबल है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट कवर्स अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ए सोलर मॉड्यूल ऑन अकाउंट ऑफ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन ऑफ द सोलर पैनल इंश्योर्ड बिलो द परफॉर्मेंस वारंटी ड्यू टू द फॉलोइंग पॉइंट्स: फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल डिफेक्ट, मटेरियल एजिंग बियॉन्ड नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड डिग्रेडेशन। और इसी तरह और भी पॉइंट्स कवर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर फॉर एनर्जी शॉर्टफॉल अराइजिंग आउट ऑफ अनइंटेंशनल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टारगेट प्रोडक्शन, यानी कि आपने जो प्रोडक्शन या अजम्पशन किया था, अगर उससे कम होगा वो भी इसमें इंश्योर्ड है। दूसरा है डिफेक्ट इन इंश्योर्ड एनर्जी इंस्टॉलेशन, मतलब कि अगर आपका आउटपुट ये डिफेक्टिव इंस्टॉलेशन के कारण होता है तो वो भी इंश्योर्ड है। और यहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ देता हूँ कि द पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज फॉर शॉर्टफॉल इन डीम्ड एनर्जी प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट सोलर रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, अगर धूप कम है, उसके कारण जो आपका आउटपुट है वो उसमें भी कमी हो रही है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज की डेट में इंश्योरेंस किस किस एक्टिविटीज़ और किस किस अनअवॉइडेबल सिचुएशंस के लिए अवेलेबल है। और इसी तरह और भी कई अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि राइट्स या दंगे या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस, तो उसके ऊपर भी अलग अलग टाइप के कवरेजेस होंगे। आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करके ये पता कर सकते हैं। अब ये सब तो हो गई कमर्शियल लेवल या मेगावाट लेवल या बड़े स्केल में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इंश्योरेंस कवर की, बट क्या इंडिविजुअल लेवल या रेजिडेंशियल लेवल पे भी इंश्योरेंस का कवरेज अवेलेबल है? तो दोस्तों, जी हाँ, इंडिविजुअल लेवल और रेजिडेंशियल सेक्टर में भी ये कवरेज अवेलेबल है। आपने हाउसिंग इंश्योरेंस के बारे में सुना ही होगा, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव और अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस भी मिलते हैं। इंश्योरेंस बेसिकली अनफोर्सीन या अनअवॉइडेबल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही होता है, और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव और अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस मिलते हैं। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठ के ये पूरा समझ के ही इंश्योरेंस लीजिएगा।
आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंश्योरेंस की कुछ पॉलिसीज हैं जो मैंने गुजरात स्टेट से मंगाई। आज की डेट में गुजरात स्टेट में जैसा आपको मालूम है कि कई सोलर रूफटॉप सिस्टम्स लगते हैं और वहाँ पे ऐसी समस्याएं भी आती हैं, और वहाँ पे ये जो इंश्योरेंस है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है या जो इंस्टॉलर होता है, वो अपने कस्टमर को साथ में प्रोवाइड करता है या फिर रेकमेंड भी करता है। अल्टीमेटली ये कस्टमर का डिसीजन होता है कि क्या वो इंश्योरेंस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। दोस्तों, मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप इंश्योरेंस ज़रूर लें। क्या है कि ये इंश्योरेंस आपके उन अनफोर्सीन या अनअवॉइडेबल सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। क्या है कि क्या पता इस इन्फॉर्मेशन से किसी का कुछ भला हो जाए। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चंस है या कुछ डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सोलर इंडस्ट्री या सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड रेगुलर और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।